नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। बॉलीवुड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सुजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई मुंबई की वसई कोर्ट ने शनिवार को स्थगित कर दी। केस में अब सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी तय की गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि तुनिशा का परिवार अभी अंतिम विधि में व्यस्त है, इसलिए उनका स्टेटमेंट नहीं हो सका है। पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए 13 जनवरी तक का समय मांगा। कोर्ट ने पुलिस को 9 जनवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने शनिवार को टेनिस से संन्यास का ऐलान किया। 36 साल की मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दुबई का WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। सानिया ने 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब जीता। वे इस महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में खेलेंगी। सानिया ने पिछले साल भी संन्यास की घोषणा की थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। सानिया ने एक इंटरव्यू में संन्यास का फैसला वापस लेने पर कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मैं चोट की वजह से टेनिस से दूर हूं, इसलिए मैंने संन्यास के फैसले को आगे बढ़ा दिया और दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भूधसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए PMO लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार शाम उच्च स्तरीय बैठक की। वह आज शनिवार को जोशीमठ ग्राउंड जीरो हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां प्रभावितों से बातचीत की, कहा कि प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। जनरल कलिता ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार ग्वालपाड़ा सैनिक स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हर संभव सहयोग करेगी। सरमा ने कहा, विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि विद्यार्थियों को उनकी क्षमता से परिचित कराने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाजपा के अंडमान निकोबार इकाई ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ग्रेट निकोबार में अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र खोलने का अनुरोध किया है। अंडमान प्रदेश भाजपा के एक नेता ने यह जानकारी दी। अंडमान भाजपा के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 5 जनवरी को द्वीप समूह की अपनी 2 दिनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। उनसे केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिणी द्वीप में अग्निवीरों के लिए प्रशिक्षण इकाई बनाने का आग्रह किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में 2 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जी निरंजन ने चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में दावा किया है कि ओवैसी के नाम राजेंद्र नगर के अलावा खैरताबाद विधानसभा क्षेत्रों में भी पंजीकृत है। निरंजन ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने का दावा करते हुए कहा कि यह संसद के एक निर्वाचित सदस्य की गैर जिम्मेदारी और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में चुनाव मशीनरी की लापरवाही को दर्शाता है। भारत की G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम नेताओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले नेता है। श्रृंगला ने कहा कि किसी भी वैश्विक निर्णय में दुनिया के शीर्ष नेता अक्सर PM मोदी की राय लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों तक हर बार PM मोदी से बात जरूर की जाती है। श्रृंगला ने कहा कि आज भारत क्वाड, संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे संगठनों का हिस्सा है। वहीं G7 के हर सम्मेलन में PM मोदी को बुलाया जाता है।
एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब करने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जहां गो फर्स्ट एयरलाइन की फ्लाइट में यात्रियों द्वारा महिलाओं क्रू मेंबर से छेड़छाड़ की गई। आरोपी विदेशी नागरिक है। शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को विमान से उतार दिया गया और दोनों को गोवा एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। साथ ही घटना की शिकायत DGCA से भी की गई है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चौंकाने वाला सीन दिखा। एक तरफ जहां राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे थे तो उनके साथ 5 साल का बच्चा नंगे बदन पैदल चल रहा था। यह बच्चा अभिमन्यु रोहतक का रहने वाला है। वह चंद्रशेखर आजाद के किरदार में राहुल गांधी के साथ चला। अभिमन्यु के पिता एडवोकेट सुनील शर्मा ने कहा कि उनके बेटे को ठंड कम लगती है, इस वजह से वह अक्सर सर्दियों में भी चंद्रशेखर आजाद के रोल प्ले करता है। कैटरीना विक्की और आलिया रणवीर के बाद बॉलीवुड की एक और स्टार जोड़ी शादी के बंधन में बंधने जा रही है। साल 2023 में बॉलीवुड की ये फर्स्ट स्टार वेडिंग होगी। ये कपल है फैंस के दिलों पर राज करने वाली क्यूट एंड ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी और डैशिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा। 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अब यह दोनों साथ फेरे लेने जा रहे हैं। शादी की खबरें सामने आते ही फैंस दोनों को दुल्हा दुल्हन के रूप में देखने को बेताब है। इस रॉयल वेडिंग का डेस्टिनेशन भी कोई आम नहीं है। दोनों ने इंडिया के टॉप 15 वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल जगह को पसंद किया है। ये जगह मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में है। स्टार कपल जैसलमेर के रेतीले धोरों के बीच सूर्यगढ़ होटल में 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेगा। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।